हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू न्यू अनदर व्लॉग। अरे यार तू पागल है क्या? अबे तू पागल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो यार आपका भैया आपके लिए मिन्नत कर रहा है, आप भाई को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे यार। जल्दी से यार घंटी को बजाओ, सब्सक्राइबर्स के बटन के ऊपर क्लिक 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 कर दो यार। जल्दी से भाई के 10K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करो, ताकि आपका भाई रेहान पे यार की प्रैंक कर सके यार। आपको पता है मैंने आपके साथ चैलेंज किया, जब तक आपका भाई जब तक आप मेरे 10K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट नहीं करवाओगे, तब तक रेहान पे आपका भाई कोई भी प्रैंक नहीं करेगा। अच्छा तो यार अभी अभी आपका भाई उठा, जल्दी से रेडी शेडी होता है, फिर आपको प्लान बताते हैं क्या। ठीक है, रेडी जो है आपका भाई हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। यार आपका भाई प्यारा है तो प्यारा तो लगे ही नहीं। हाय अल्लाह, मामा ने भाई क्या सोना जमया, तो सोना लग दे ना आपका भाई। आपको पता है नहीं यार प्यारा ही और प्यारा लगता है। और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करो कि यार आपके भाई को ड्रेसिंग कैसी लगती है। देखो यार फुल शशके अपने भाई के। चलो यार अपने हानि की मुझे कॉल्स पे कॉल्स आ रही है, आप चलते हैं उसके पास, फिर लेट्स सी क्या होता है। तो यार रेहान के पास आपका भैया आ चुका है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये देख रहे हैं इसके काम कितना लेट आया। क्या यार बंदा रेडी शेडी होने में थोड़ा सा दो दिन यस कमांडो कर रहा। कहीं से बात? हाँ सुन रहा, बोल बोल। चलो यार जल्दी से चले, चाबी तो मेरे पास ही है भाई साहब, चाबी मेरे पास ही है, कैसे जाओ? कोई नहीं मैं ये निकाल के आ जाऊंगा। अब क्या सीन है? मैंने उन्हें सीन कोई भी नहीं बताया, खुबैब के पास बुला रहा है ना। चलो यार खुबैब के पास जाके मिलते हैं आपको। ओके तो यार खुबैब के घर आपका भेजो आज कैंजी खान जी। ओए तू इधर क्या बैठा टट्टी आई यू? यार कब से हमने खुबैब को फोन किया, फोन ही नहीं उठा रहे। अब उसके मामा को कह के उसको बता दे कि हम नीचे आए हुए हैं। मसाले भरे हैं। बड़ा प्यारा लग रहा है तुम्हें बात जो है ना। नहीं तू रह दे, मुझे नहीं ऐसी कराइयां खानी, ऐसी कराइयां मैं रोजाना जाया करता। यार खुबैब आता क्या वो देखो, चल कराई कौन सी देखनी है तुम्हारी कराई। काड़ी यार उसको फोन चंगर को कब से वेट करवा रहा है। फोन नहीं उठा रहा वो बाजू में। चलो यार वो आता तो फिर मिलते हैं आपसे। खुबैब के भाई ने उसके बाद पानी फेंक है, वो उसको उठा ला है। इसने जो है ना बल्ले के साथ बोल मार के, बल्ले के साथ पानी डाल के मेरे सारे कपड़े गंदे कर दिए। अब मैं इसको उसके ऊपर डालूंगा। तूने वाकई फेंक दिया यार, शर्म कर बच्चा। वाकई साठ टन कहता तू चुप कर, साठ टन बल्कि और साठ टन। मैं उसको बचाऊ, उसको थोड़ी सी इज्जत कर रहा हूँ। वो देख चंगा कीता है, बिल्कुल चंगा कीता है। कराई भेज गई हो भाई, तुझे बैट लगा नहीं है, बिल्कुल तेरे पास से गया। इसकी जो कराई की बात कर रहा था ना, उसकी कराई भिज गई है, सड़ गई है इसकी। तुम्हारी कराई तो भिज गई है। प्रेशर वाली टांग है, कितना तूने हमें वेट करवाया, ये तो आगे रात पहले। लड़ो 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 ठंडे मारो 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 पिछड़ी। तीन मेरी भी लगा रोटियां यार, बहुत इसने वेट करवाया जो है ना, ऊपर से हमारे क्लिप बना रहा है कि नीचे से हमने इसको लेट करवाया। हाँ जी
अपने कपड़े झाड़ दे रहा तू साड़े यार कुटिया रुको जरा सबर करो बेटा जमजम से लिए तुमने हरकत की है ना मेरा दिल देखो मेरे दिल के साथ हकार लगाई मेरा कारोबार तबाह कर दिया इसने मेरा कारोबार तबाह कर दिया यार यार मेरा तो उसने कारोबार तबाह कर दिया था बच गया ना हाँ बच गया वीडियो ऑन थी उस टाइम जब उठ गया टूट गया साइडों से टूट गया थोड़ा थोड़ा ये दे चलो यार आपको मिलते हैं बाद दुनिया तरीन का झूठा इंसान A few moments later बाजी अहमद के घर अब मैं आया तो देखे जरा भाई आ जा यार कब से तेरे इंतजार कर रहे हैं कभी ये वेट करवाता कभी तू वेट करवाता टाइम देखे क्या हो गया जल्दी से नीचे आते बताते हैं यार जरा यार कितना टाइम हो गया इसके बच्चे के सोने नहीं खत्म हो रहे जरा इस बच्चे के मनुष्यत के चलो यार अब बात है इसकी थोड़ी सी बिस्ती करते हैं इसके नीचे आने क्या भाई ये देखो जरा कि यार क्या सुतरी मतरी बड़ी मतरी बनी हुई है दाने देखो इसके मुंह पे पता है तेरे मुंह से स्मेल आ रही है थोड़ा दूर पानी कितना कोड़ा है नीम के पत्तों वाला क्या किया तो पिया है तो कोड़ा ही होगा क्या करते करते कैसे कर लिया कैसे कर लिया ओए ओए समझ रहे हो लेजेंड आते हैं इसका लवर बताया हमें हम ऐसे मिलवाते हैं आपको कमेंट में तेरा हाथ भी लगाओ तेरा अगर तुम वीडियो देख रही हो तो कर दो उसके पास किसी लड़के को ही मिलना पड़ेगा तुझे क्या कर रहे हो एक और लव स्टोरी है यार अब क्या सीन है बताओ यार हाँ सच खुबैब शेख ने नाश्ता करवाना है भाई खुबैब शेख नाश्ता करवाने हैं हेलो मैंने आप लोग को बहुत इम्पोर्टेंट बात है हम लोग पैसे सारे इकट्ठे करते हैं यार इन्हें एक नवी जैकेट ना ले पैंट भी ला देने यार एक तो मैं सोया उठ के आई हूँ बगैर तैयार हुए अभी तैयार हुआ हूँ मैं बातें सुना रहा हूँ स्लीवलेस लिया उसके बाद तैयार हुई भी इसका एक तरह तस्वीर लगा देना जब ये तैयार हो इधर आप किधर जा रहे हैं पहले इतना तुमने इंतजार करवाया है किधर जा रहे आप ऐसे यार तो प्यारा लग रहा है चलो यार हम नाश्ता करने चलते हैं वहाँ पे जाके मिलते हैं आपको 6.5 hours later यार सीन जो है भाई साहब बहुत ही ज्यादा उल्टे हो चुके हैं देखो यार जा हम नाश्ता करने रहे थे हम थाने गए हैं चुप कर बे कुत्ते आप कह रहे होगे कि अरसलान किधर है अरसलान अंदर बंद है वो भी इसी की वजह है भाई मेरी कोई वजह नहीं है तुम्हारी सारी वजह है भाई अहमद की सारी है वो है कारकर्दगी तुम्हें रोकता था जमता है जमता है मेट्रो आया मैंने तुम लोगों को कहा कि नहीं कहा यहाँ से ना जाओ यहाँ पे कट पे खड़े होने तुमने कहा नहीं जी नहीं कोई मसला नहीं था हमारे पास सारी चीजें यार नहीं उसने चलान ने की गलत है जब उसने रोका है तो भाई साहब उसने क्यों जो है रेस दी है ब्रेक नहीं थी हाँ ये तो है वार्डन वाले ने थोड़ा हाथ पकड़ा तो फिर उसको यार अब अंदर जो है जलील प्रोग्राम होने जा रहा है प्रोग्राम तो बढ़ गया प्रोग्राम तो बड़ा हुआ इस टाइम फुल बटा फुल चलो यार अब आगे की हम आपको बताएंगे कि क्या सीन चल गया पर चलान ही बताएगा आपको मिलके ठीक है अभी तो यार बेचारा अंदर बंद है अरे मैं आपको भी बता दें उसके चैनल पे पता चले कि उसके साथ क्या वाकया हुआ वो तो बना नहीं सकता अंदर चलो यार फिर वही बताएगा आपको हम तो बंद कर रहे हैं 2000 years later यार आपका भाई जो है वो घर आ चुका है फुल आजाद हो चुका है आपके भाई की राह जो है ना वो बहुत ही बहुत बहुत मुश्किल से गुजरी है यार मैं आपको क्या बताऊं अरे यार बहुत ज्यादा मैं थक भी गया हूँ मेरे सर में दर्द है यार उधर सारे लोग थे सारे चर्सी भंगी थे और सिगरेट पीते रहे हैं सारा दिन सारी रात सिगरेट पीते रहे हैं यार मेरा नाक खराब हो गया गला खराब हो गया
सिगरेट वो पी रहे हैं तो काम मुझे लग गया। मैं नहीं मानता। तो बहुत मुश्किल से आपकी भाई की जो है वो रात गुजरी, अल्हम्दुलिल्लाह मामला सारा क्लियर हो गया। तो गाड़ा है वो पापा से थोड़ी सी डांट शांट पड़ी है, सर्दी बहुत लग रही थी रात को। मैंने कहा यार धूप में बैठ जाता है बंदा थोड़ा फ्रेश हो जाता है, अब कुछ करने को भी नहीं है मेरे पास, तो यहीं पे मैं करता हूँ वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हाँ यार आपका भाई अरसलान अंदर है, आपको तो वीडियो अच्छी लगी होगी, मुझे पता है कमेंट्स में लाजमी बताना किस किस को वीडियो अच्छी लगी है किसको नहीं। तो यहीं पे करते हैं वीडियो को एंड। और हाँ सच यार जल्दी से भाई के 10K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करा दो, ताकि यार मज़े का रेहान के ऊपर मैं कोई प्रैंक कर सकूँ, ठीक है। तो यहीं पे करते हैं वीडियो करना, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते रहेंगे न्यू ब्लॉग न्यू प्रैंक्स, इस तरह प्यार करते रहें।